अच्छा जी, अब शासन ने तो कई योजनाएं चलाई, अब इनका इनको लाभ मिलता है कि नहीं ये जानकारी नहीं। जैसे बीपीएल कार्ड बनाए गए हैं, उसके बाद 30 किलो अनाज दिया जाता है हर परिवार के सदस्य को। मकान बनाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही है, सड़क बनाई जा रही है, हर घर से एक व्यक्ति को मनरेगा के अंतर्गत रोजगार उपलब्ध कराया गया, 100 दिन का रोजगार देने की योजना है। ऐसी बहुत सारी योजनाएं जो उपलब्ध हैं या नहीं, निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था, बच्चों को पोषण आहार की व्यवस्था है, गर्भवती महिलाओं को गर्भावस्था से लेकर गर्भ दौरान तक आयरन की गोलियां देने की व्यवस्था है। इस तरह सरकार ने बहुत सारी योजनाएं चलाई, महिलाओं के उत्थान के लिए बच्चों को एक बच्ची के लिए कन्या योजना है, जिसके अंतर्गत कन्या समृद्धि योजना, जिसके अंतर्गत 18 साल तक उसके नाम से पैसा जमा होता है, वो बड़े होने पर 1 लाख रुपये से मिलती है, परिवार नियोजन की व्यवस्था है। ऐसी बहुत सी योजनाएं चल रही है, अब इसका लाभ आप लोगों को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है ये नहीं मालूम है। इसी तरीके पुरुषों के लिए भी आवास योजना में अपने सड़क योजना में उनको योगदान देने का है, मशीन से काम नहीं चलाया जाएगा, मजदूरों से काम दिया जाएगा, JVC वगैरह नहीं चलेंगी, जो भी गाँव में सड़कें बनेंगी वो मैनुअली बनाई जाएंगी और व्यक्तियों की सहायता ली जाएगी, उनको रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा, अनाज का वितरण किया जाएगा। अब आप लोग इसको बारे में बताएंगे, आप लोग किस इन सुविधाओं में किसका लाभ मिलता है। मेरा ये कहना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, अपने बच्चों को पढ़ाएं।